सौ में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, ऊंची जाति वालों ने हमारे बाप ददाओं से हलवाही करवाई है, मैं उनकी राजनीतिक हलवाही करने के लिए पैदा नहीं हुआ। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका पूरा जीवन बहुजनों के लिए संघर्ष करते बीता, जो बहुजनों का नायक बना, जिसे बिहार लेनिन का दर्जा दिया गया, सड़े हुए समाज की कुंठित विचारधारा ने जिस नायक की हत्या करवा दी, आज कहानी शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा को याद किया जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप द पंचायत देख रहे हैं। जगदेव प्रसाद अपने विचारों के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे, इसका पता इसी से चलता है कि उन्होंने साफ तौर पर घोषित कर रखा था, ऊंची जाति वालों ने हमारे बाप ददाओं से हलवाही करवाई है, मैं उनकी राजनीतिक हलवाई करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। सियासत में जगदेव बाबू एक ऐसा नाम थे जो खुले मंच से स्मरणों को चुनौती देते थे और शोषित, पीड़ित, वंचित, लांछित समाज के हक और हुकूक के लिए पहली कतार में खड़े रहते थे। जगदेव बाबू द्वारा स्थापित शोषित दल भी इसी राजनीतिक चेतना की अगुवाई कर रहा था। जगदेव बाबू भविष्य में होने वाले तमाम सियासी बदलाव को लेकर आश्वस्त थे। तभी उन्होंने कहा था, मैं आज 100 वर्षों की लड़ाई की नींव डाल रहा हूं, यह एक क्रांतिकारी पार्टी होगी जिसमें आने और जाने वालों की कमी नहीं होगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंतोगत्वा हमारी ही होगी। जगदेव बाबू को सत्ता विरासत में नहीं मिली थी। एक समय ऐसा था जब उनकी बीवी के कपड़े फट गए तो सुई धागा खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं थे, घर में आर्थिक तंगी रहती थी, कोई नियमित आय नहीं थी, संघर्ष भरा जीवन था, लेकिन हौसले आसमान चूमते थे। अपने संबोधन में जगदेव प्रसाद ने कहा था, आज का हिंदुस्तानी समाज साफ तौर पर दो भागों में बटा हुआ है, 10% शोषक बनाम 90% शोषितों की इज्जत की लड़ाई हिंदुस्तान में समाजवाद या वामपंथ की असली लड़ाई है। उन्होंने यह भी कहा था कि पिछड़े, दलित, आदिवासी और मुसलमानों की आबादी 90% है, बाकी बचे हुए तथाकथित ऊंची जाति की आबादी 10% है, मैं केवल 90% शोषितों के लिए राजनीति करता हूं। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि शहीद जगदेव बाबू की राजनीति केवल सत्ता पाने की राजनीति नहीं थी, वे समाज में आमूलचूल बदलाव लाना चाहते थे, वे जाति व्यवस्था के विरोधी थे, हिंदू धर्म में पाखंड का खुलकर विरोध करते थे। 1968 में एक ऐसा दौर आया जब शोषित दल को बिहार का नेतृत्व मिला। बाबू जगदेव प्रसाद ने सतीश प्रसाद सिंह के रूप में बिहार को पहला ओबीसी मुख्यमंत्री दिया, हालांकि राजनीतिक कारणों से उन्हें बदलकर बीपी मंडल को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीपी मंडल भी पिछड़े समाज के थे। जगदेव प्रसाद बिहार की राजनीति को बकौती मानने वाले सामंती ताकतों की आंखों में कांटों की तरह चुभने लगे थे। वर्ष 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक ओर जहां जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था, वहीं जगदेव बाबू ने 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन बिहार में भी मोर्चा खोल दिया था। इसी क्रम में 5 सितंबर 1974 को जगदेव प्रसाद को गया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जगदेव बाबू तो शहीद हो गए, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो अमर हो गया। आज भी उनके नाम पर सियासी मंच सजाए जाते हैं, समाजवाद की अलख जगाई जाती है, उनकी बातों को याद किया जाता है, उनके कामों को याद किया जाता है, और फिर किसी कोने से आवाज आती है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू कहा करते थे, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। यही वजह है कि जगदेव प्रसाद को याद करते समय उनके समर्थक मातम नहीं मनाते हैं, बल्कि हर वर्ष जयंती के मौके पर उनके गृह जिला कार्यालय में 3 दिनों का मेला लगाया जाता है जिसमें देश भर के लोग भाग लेते हैं। बहरहाल, बिहार का शोषित बहुसंख्यक समाज इस दिन का कर्जदार है और हमेशा रहेगा। जगदेव प्रसाद शहीद हो गए और अपनी शहादत से बिहार में
पिछड़ों और दलितों की राजनीति को मजबूत कर गए। बिहार में पिछले 32 वर्षों से पिछड़ों का राज है, इसमें सबसे बड़ा योगदान उनका है जिनका अब कोई नाम भी नहीं लेता, जगदेव बाबू के राजनीतिक विरासत पर सम्राट चौधरी, आलोक मेहता, उपेंद्र कुशवाहा दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन यह जनता ही तय करेगी असली हकदार कौन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है और आप द पंचायत देख रहे थे। और चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।